अब हम डिटेल में देखते हैं कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है। दिस नोटेशन इज़ यूज टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन अल्गोरिदम्स रनिंग टाइम। अल्गोरिदम्स के रनिंग टाइम का जो अपर बाउंड है वो हम फाइंड करते हैं थ्रू बिग ओ नोटेशन। ठीक है, अपर बाउंड क्या बताता है कि उससे ज़्यादा जो है उसका रनिंग टाइम नहीं हो सकता है। इट रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट केस ऑफ एन अल्गोरिदम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस क्या होगा कि मैक्सिमम, वही कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो है एक अल्गोरिदम कितना ले सकता है वो किससे फाइंड होता है, बिग ओ नोटेशन से। दैट इज़ द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एन अल्गोरिदम कैन पॉसिबली टेक टू कम्प्लीट। एक अल्गोरिदम को कम्प्लीट होने में कितना मैक्सिमम लॉन्गेस्ट टाइम लग सकता है वो किससे पता चलता है, बिग ओ नोटेशन से। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं बिग ओ नोटेशन की। अ फंक्शन एफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी एन, एक फंक्शन इक्वल्स टू कब होगा, बिग ओ ऑफ जी एन के, इफ देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एन एंड एन जीरो एंड पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी। जब हमारे पास पॉजिटिव, दो पॉजिटिव इंटीजर्स एन एंड एन जीरो होगा, एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होगा सी, सच दैट एफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी इंटू जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन जीरो। अगर एफ एन, दो फंक्शन है एफ एन और जी एन, अगर एफ एन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी एन है, सारी एन की वैल्यूज जो एन जीरो से ग्रेटर या इक्वल हैं, तो उस केस में हम कहते हैं कि एफ एन क्या है, बिग ओ ऑफ जी एन। यानी कि क्या है यहाँ पर, हैंस फंक्शन जी एन, ये जो फंक्शन जी एन है इज एन अपर बाउंड फॉर फंक्शन एफ एन। तो एफ एन का ही अपर बाउंड हो जाएगा, यानी ये फंक्शन जी एन से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। एस जी एन ग्रो फास्टर देन एफ एन, इसका मतलब है कि जी एन जो है ज़्यादा फास्टर मूव करेगा एफ एन से। तो जी एन जो है वो अपर बाउंड होगा एफ एन का। तो इसका हम ये ग्राफ के फॉर्म में देख लें, तो ये एन एक्स, एक्स एक्सिस पे एन है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन ये है सी ऑफ जी एन, तो जो एफ एन होगा वो जो है ऑलवेज लेस देन होगा एक एन जीरो वैल्यू पे। जो एफ एन होगा वो हमेशा सी ऑफ जी एन से क्या होगा, लेस देन होगा। एक एन जीरो वैल्यू हम फाइंड करेंगे जिसके बाद आप देखोगे कहीं पर भी एफ एन जो है जी एन से बड़ा नहीं होगा। जबकि यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है एफ एन बड़ा था जी एन से, यहाँ छोटा था फिर यहाँ बड़ा हुआ, लेकिन एन जीरो वैल्यू के बाद एफ एन कभी भी सी जी एन से बड़ा नहीं होगा। तो सी जी एन या जी एन जो होगा वो अपर बाउंड होगा एफ एन का। यानी जो अल्गोरिदम है वो उसका अपर बाउंड क्या होगा, मैक्सिमम वो कहाँ तक ग्रो हो सकता है, सी ऑफ जी एन तक। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है एफ एन इक्वल्स टू टू एन स्क्वायर प्लस एफ एन प्लस फाइव एन प्लस वन। तो यहाँ पर मैंने लिया है जी एन क्योंकि हमें एफ एन और जी एन लेना है। तो एफ एन हमें गिवन है, जी एन हम क्या लेंगे, जो इस वाली इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा। तो वो क्या है हमारा एन स्क्वायर, लीडिंग टर्म क्या है हमारा एन स्क्वायर, तो हम जी एन को लेंगे एन स्क्वायर। फिर सी को हमने क्या कहा है कि सी शुड भी क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए और एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होनी चाहिए। यानी मिनिमम एक इनपुट तो होना ही चाहिए क्योंकि एन क्या है, साइज ऑफ इनपुट। तो यहाँ पर सी की वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो। मैंने एट लिया है, मैंने कैसे लिया है, टू प्लस फाइव प्लस वन हो गया एट। ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है इनको एट लेके मैंने एट ले लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि एफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी एन। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि एफ एन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी एन। तो एफ एन की वैल्यू थी टू एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू, सी की वैल्यू मैंने एट ली है, जी एन हमने एन स्क्वायर लिया है। तो जब हमने एन इक्वल्स टू वन पुट किया तो एट ये आ गया इधर एट और यहाँ भी क्या आ गया एट। तो एट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एट होता है ट्रू। तो इस कंडीशन पे जब एन इक्वल्स टू हमने वन पुट किया, ये हमारा एन जीरो है, तो जब n इक्वल्स टू वन होगा तो इससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज आप पुट करो, जब वन पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप टू पुट करोगे तो भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, थ्री पुट करोगे तो भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उन सारी वैल्यूज़ के लिए जब n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होगा, एफ एन क्या होगा, बिग ओ ऑफ जी एन। बिग ओ ऑफ जी एन मतलब जी एन हमने क्या लिया था, एन स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि एन स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर इज एन अपर बाउंड ऑफ एफ एन फंक्शन। अब इसी इक्वेशन में सपोज हम जी एन सी को ले लेते हैं, जी एन हमने एन स्क्वायर ही लिया है हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, और सपोज सी को हम लोग ले लेते हैं फोर, क्योंकि सी को हम कोई भी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू ले सकते हैं।
तो बिग ओ नोटेशन फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, एफ एन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी एन। तो एफ एन की वैल्यू क्या है, 2n² प्लस 5n + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू सी यानी 4, जी एन मतलब n²। तो यहाँ पर जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगी फॉल्स। फिर n इक्वल्स टू जब हम 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 × 4 + 5 × 2 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 × 2² यानी कि 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 10 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 16, तो 8 + 18 = 19 हो जाएगा। तो अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम n इक्वल्स टू क्या लेंगे, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3² हो जाएगा 9, प्लस 5 × 3 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 × 3² मतलब 9, तो ये हो जाएगा 18 + 15 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 36, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 34, 34 इज लेस देन इक्वल्स 36, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इन सारी वैल्यूज़ के लिए क्या था, फॉल्स था, एन इक्वल्स टू 1 के लिए भी फॉल्स था, एन इक्वल्स टू 2 के लिए भी फॉल्स था, एन इक्वल्स टू 3 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो एफ एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, बिग ऑफ जी एन, जी एन क्या है हमारा, n² फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो 3 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज आप लोगे उसमें ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। आप इसमें 4 पुट करके देखो तो भी कंडीशन ट्रू आएगी, तो अगर हम n इक्वल्स टू 4 भी पुट करके देखें तो भी हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। तो उन सारी वैल्यूज़ की जो 3 से ग्रेटर या इक्वल होंगी उस केस में एफ एन हमारा क्या होगा, बिग ओ ऑफ n² होगा। तो इस टाइप से आप सी की वैल्यू कोई भी ले सकते हो ग्रेटर देन 0, लेकिन इस केस में क्या हुआ, हमें 3 तक चेक करना पड़ा, जबकि जब हमने 8 लिया था तो हमें फर्स्ट कंडीशन में ही ये कंडीशन क्या हो गई थी, ट्रू हो गई थी। अब सपोज करो आपको गिवन होता कि एफ एन इक्वल्स टू 2n² + 5n + 1 है और जी एन इक्वल्स टू n³ है, ठीक है, तो n³ जो है वो इसका अपर बाउंड होगा कि नहीं होगा, हमें ये फाइंड करना है। 2² + 5n + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सी ऑफ जी एन यानी सी ऑफ n³। अब सी की वैल्यू मैं यहाँ पर 8 ही ले रही हूँ, सपोज 8 नहीं ले रहे हैं, हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं 4, तो सपोज सी इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 + 5 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 < 4 नहीं होता है। फिर हमने क्या लिया, एन इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2 × 4 + 5 × 2 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 × 2³ मतलब 8, तो ये हो जाएगा 8 + 10 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 इज लेस देन इक्वल्स टू 32, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो ट्रू हो जाएगी तो एफ एन क्या होगा, बिग ओ ऑफ n³ हो जाएगा, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो n³ के लिए भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी n³ इज ऑल्सो ए अपर बाउंड ऑफ एफ एन। तो यहाँ पर जब हमने देखा n² भी उसका अपर बाउंड है, n³ भी उसका अपर बाउंड है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, सपोज हमें ये फाइंड करना है कि इस इक्वेशन का अपर बाउंड n² लोगे कि n³ लोगे, तो हम क्या लेंगे, n² क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो रेट ऑफ ग्रोथ किसका ज़्यादा होगा, पहले n² आएगा और यहाँ पर n³ आएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारा एफ एन है वो जो है उसका लीस्ट अपर बाउंड हम देखेंगे कौन सा है, तो लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, यानी अपर बाउंड तो बहुत सारे हैं, n³ के ऊपर भी 2n होगा वो भी इसका अपर बाउंड है, बट लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, n², तो यहाँ पर एफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ n² इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इसका लीस्ट अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं एफ एन के, लेकिन हमें कौन सा लेना होगा, लीस्ट अपर बाउंड।